हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक पढ़ना है वो है कोरल रीफ्स। तो देखिए, ये सेकंड पार्ट रहेगा इस टॉपिक का। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका रिलेशनशिप होता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ कोरल्स, हार्ड कोरल्स, सॉफ्ट कोरल्स, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं, कोरल से ये कैसे बनते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें कोरल रीफ सर्वाइव करते हैं, एंड टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, जैसे कि बैरियर रीफ हो गया, अटॉल हो गया, फ्रिंजिंग रीफ हो गया। ये छोटे सा एक टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 10 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली एक वीडियो बनेगी, और ऐसा नहीं है कि यही है, इसके बाद एक दो वीडियोस और आएंगे कोरल रीफ्स की, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट्स प्लेलिस्ट में जाएँ और इससे प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट करें। फाइन, ये तो थी जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कोरल रीफ्स। सबसे पहले तो उठाएं अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। कोरल्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, कलरफुल एनिमल्स होते हैं, ओशंस में रहते हैं। एक एल्गी होती है ग्जुएंथली, उसके साथ इनका रिलेशनशिप होता है, वो इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है, और ये उन्हें जो है म्यूचुअली जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कोरल होता है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? क्रिएटेड बाय मिलियंस ऑफ टाइनी पॉलिप्स फॉर्मिंग लार्ज कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स। पॉलिप्स यानी कोरल्स को ही पॉलिप्स बोलते हैं। जब बहुत सारे कोरल्स मिलकर, कोरल होते क्या हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, तो इनके सिक्रेशन से जो बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं उन्हें हम कहते हैं कोरल रीफ्स। कोरल की जो सिक्रेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, इनके जो स्केलेटन्स होते हैं उन सबका जो ढेर बहुत बड़ा बन जाता है उसे नाम दे दिया है कोरल रीफ्स का। लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन द प्लैनेट, हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा मतलब अमाउंट में जो अवेलेबल हैं, अबंडेंस में जो हैं लिविंग स्ट्रक्चर्स, वो हैं कोरल रीफ्स, जब ये एक साथ होते हैं सारे, ठीक है। ओनली लिविंग स्ट्रक्चर टू बी विजिबल फ्रॉम स्पेस, इकलौती ऐसी लिविंग चीज़ है जो स्पेस से दिखाई देती है, ठीक है। कोरल्स आर फाउंड अक्रॉस वर्ल्ड्स ओशन, दुनिया के हर एक ओशन में ये पाए जाते हैं, इन बोथ शैलो एंड डीप वाटर, डीप वाटर है या शैलो वाटर है पाए जाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी। अब हम पढ़ेंगे कि कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड, कब बनते हैं? When corals attach themselves to sedimentary rocks or hard surfaces, जब कोरल जो है खुद को अटैच कर लेते हैं किसी हार्ड चट्टान के साथ, ठीक है। अब देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। कई जगह ऐसा है कि जो कोरल्स होते हैं ना वो सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उनके जो स्केलेटन्स होते हैं, उनके जो सिक्रेशन है, वो सारी जब एक साथ मिल जाती है तो एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे बोलते हैं कोरल रीफ, बट वो लिविंग होते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर यहाँ पे जैसे कहा गया है कि जो हार्ड सर्फेस है या कोई सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक मैंने आपको पढ़ाया है, इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? जो लेयर्स में होते हैं सारे फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल्स वगैरह सब कुछ आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है ना। चलिए, ये तो हम किसी और टॉपिक में चले गए, बट कोरल्स क्या करते हैं, खुद को अटैच कर लेते हैं इस तरह के किसी चट्टान के साथ, ठीक है, और बन गए कोरल रीफ्स। कैल्केरियस रॉक्स इन सी, समुद्र में कैल्शियम वाली रॉक्स होती हैं, ठीक है। कोरल्स स्केलेटन्स डिपॉजिट, कोरल्स के जब स्केलेटन्स डिपॉजिट हो जाते हैं उन्हें हम कोरल रीफ बोलते हैं। नाउ ये चीज़ अंडरटेकन, अब इन दोनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। Undertaken with several other processes like sedimentation and solidification of the skeletons. Sedimentation होती है, sedimentation आप समझते हैं, एक टूटते हैं फिर एक जगह सॉलिडिफाई, एक जगह इकट्ठे होते हैं, जम जाते हैं, इस तरह से skeletons, ठीक है, वो बनते हैं हमारे coral reefs. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कोरल रीफ कैसे बनते हैं या इस चीज़ में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं फिर से एक और कोई शॉर्ट वीडियो इस पर लेके आऊँगी और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी, बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सिंपल वे में आपको कहीं भी एक्सप्लेन्ड मिलेगी ये चीज़, है ना। और ये तो हो गया हमारा वो वाला पार्ट कि कंसेप्चुअल या अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। अब आ रहा है वो वाला पार्ट जहाँ से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। कोई भी एग्ज़ाम है, टीचिंग का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस पूछा जाता है, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं इस वाले पार्ट से। तो मैंने सारे जो वन लाइनर एंड फैक्चुअल डेटा है यहाँ पे ऐडअप कर दिया, ठीक है। इसी के साथ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। ये कंडीशंस आपको बहुत कम जगह मिलेंगी, या फिर जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है एक आधी लाइन इसमें जोड़ दी है, एक आधी लाइन बाद में जोड़ दी है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं।
पहला पॉइंट है मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशंस। मेनली आपको ट्रॉपिकल ओशंस में मिलेंगे। ट्रॉपिकल ओशन क्या होते हैं? जो ट्रॉपिक्स के पास में होते हैं। ट्रॉपिक्स क्या होती हैं? अर्थ है, उस पर कुछ इमेजिनरी लाइंस जो हैं हमने मानी हैं, जैसे कुछ लेटिट्यूड्स होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। तो हमारी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कौन सी लाइन करती है? इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के पास जो भी नियर बाय ओशंस हैं वहाँ पे आपको मेनली मिलेंगे। मिलेंगे पूरी दुनिया में हर एक ओशन में, हर एक जगह पे, ठीक है। लेकिन मेनली जो है ये ट्रॉपिकल ओशंस में मिलेंगे। क्या टेम्परेचर या क्या सॉरी टेम्परेचर नहीं, क्या लेटिट्यूडल कंडीशंस हैं? 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ में मैक्सिमम आपको ये मिलेंगे। फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑल्सो, कोस्टल तटीय एरिया जो होता है वहाँ भी आपको ये मिलेंगे, ठीक है। कोरल डाइज, अब देखिए इसके बाद हमें कोरल ब्लीचिंग पढ़ना है। कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वहाँ पे आपको कोरल रीफ्स की और अच्छी समझ होगी, ठीक है। सो कोरल डाइज व्हेन दे गो टू 200 to 200 feet और 60 to 70 meters बिलो ओशंस। अब इनका भी एक टाइम है। अब कोरल जो होते हैं ये एल्गीज पे डिपेंडेंट होते हैं। एल्गी और कोरल में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। लेकिन अब जो एल्गी है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती है। अब अगर वो एल्गी और कोरल पानी में बहुत नीचे चले जाएंगे तो उन्हें सनलाइट थोड़ी मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि 60 से 70 meters तक ही ये होते हैं, ठीक है। बहुत डीप ओशंस में नहीं होते, 60 से 70 meters या थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, इतने में होते हैं ताकि सनलाइट को ये ले सकें, वो एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर सके और कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कोरल को प्रोवाइड करवा सके। ये बात आपको तब समझ आएगी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ठीक है। सो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। वाटर, फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड फॉर देयर डेवलपमेंट, इनके लिए बिल्कुल फ्रेश वाटर चाहिए होता है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर का भी अलग फंड है, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर या बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर नहीं चाहिए, मीडियम वाटर चाहिए। बहुत ही फ्रेश होगा, बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होगी तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। बट क्वेश्चन ऐसा था कि फ्रेश वाटर चाहिए, सलीन वाटर चाहिए, ब्रैकिश वाटर चाहिए, कैसा चाहिए, तो अपने फ्रेश वाटर पर टिक करना है। नेक्स्ट आता है, मोर सेडिमेंट्स कैन लीड टू कोरल डेथ बिकॉज इट एंटर्स देयर माउथ। जिस भी पानी में वो हैं वहाँ पे सेडिमेंट्स में से कंकड़ पत्थर ये जो होते हैं ना डस्ट टाइप है ना, धूल, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए पानी में, क्योंकि वो इनके मुंह में चली जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सेडिमेंट्स वाला पानी इनको नहीं चाहिए, ठीक है। मोर सेलिनिटी एंड मोर फ्रेश वाटर प्रोहिबिट्स देयर डेवलपमेंट। ये चीज़ जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की, बहुत ज़्यादा खारा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर भी नहीं होना चाहिए, इससे उनकी ग्रोथ में रुकावट आती है, ठीक है। हैंस एट द माउथ ऑफ द रिवर्स नो कोरल रीफ्स फाउंड। जहाँ पे नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं ना, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है क्योंकि वो झरना जैसा होता है, हाइट से वो खाड़ी में गिर रहा होता है, तो वहाँ बिल्कुल फ्रेश वाटर हो जाता है। वहाँ पे आपको कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे बिकॉज दे हैव फ्रेश वाटर, क्योंकि माउथ जो होता है रिवर्स उसमें फ्रेश वाटर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्टेट एग्जाम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि जो माउथ ऑफ द रिवर्स होता है वहाँ पे कोरल रीफ्स, किस तरह के कोरल रीफ्स आपको मिलेंगे? फ्रिंजिंग, अटॉल, बैरियर और नन ऑफ द अबव। तो आपको करना है नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए अभी कंडीशंस कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी सी अभी हमें और पढ़नी है नेक्स्ट पेज पे। इसी के साथ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक और बात बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मैं भी आपको प्राइसिंग डिटेल्स शो कर दूंगी वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छे डील है, इनकेस आप नोट्स नहीं बना सकते। बाकी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स, इनकी सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। कुछ हमने पढ़ लिया, कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दैट सी वेव्स आर बेनिफिशियल फॉर देम एज दे ब्रिंग फूड फॉर देम। जो लहरें चलती हैं ना समुद्र में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कोरल्स के लिए, क्योंकि वो कोरल्स के लिए खाना वगैरह सब कुछ इकट्ठा करके लाती हैं, ठीक है। टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर कितना होना चाहिए कोरल रीफ्स की सर्वाइवल के लिए? टेम्परेचर मस्ट नॉट फेल बिलो 68 degrees फॉरेनहाइट और 20 degrees सेल्सियस। क्वेश्चन आपको कई बार फॉरेनहाइट में आएगा, कई बार सेल्सियस में आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ये आता है 20 से 25 degrees सेल्सियस, इतने टेम्परेचर में ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। इससे कम हो गया मतलब पानी ठंडा हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा हो गया वार्म वाटर, वो इसमें भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और 68 degrees फॉरेनहाइट से कम भी नहीं होना चाहिए। कभी अगर मैं, वैसे मैं साइंस का सोचा नहीं है पढ़ाने का, बट अगर इनके इस कभी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे कन्वर्जन आता है सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, केल्विन, है ना, तो वो भी हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है द डेप्थ ऑफ द वाटर शुड नॉट एक्सीड 30 फैदम्स और 180 फीट. फैदम्स क्या होते हैं? डेप्थ के लिए होता है. हमने जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओशन फ्लोर पर पढ़ा था ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबेसल प्लेन्स, ये वाला टॉपिक, तो उसमें हमने फैदम्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो डेप्थ जो होती है वाटर की 180 फीट या फिर 30 फैदम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इतने में ही वो सर्वाइव कर पाते हैं. बिकॉज बियॉन्ड दिस फोटोसिंथेसिस इज टू फेंट टू बी पॉसिबल, हैंस नॉट फाउंड इन डीप ओशंस. वही चीज़ है कि बहुत नीचे पानी में होंगे तो इनको सनलाइट नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसलिए इतनी ही डेप्थ में होनी चाहिए जहाँ तक इनको जो है सनलाइट मिल जाए. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, दैट एन आइलैंड विच हैज़ बिकम फ्रॉम कोरल रीफ, जो कोरल रीफ से बना हुआ है पूरा का पूरा, वो है मालदीव्स आइलैंड. ठीक है, चलिए अब हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, कोरल रीफ क्या होती हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इनकी सर्वाइवल के लिए. अब हमें पढ़ना है कोरल रीफ्स के टाइप्स. ठीक है, तो मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें. होता क्या है ना कि हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वही चीज़ है फिर पेपर में हो नहीं पाता और नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिर हम फिर भटकते हैं कि अब नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है कहाँ से पढ़े. एक बार नोट्स बन गए तो हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, बस टाइम के साथ अपडेशन चाहिए उसमें, वो आपको खुद करनी होगी. ठीक है, सो अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है जो कि है कोरल रीफ्स के टाइप्स. ठीक है, सो तीन टाइप्स हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल. ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे. द मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन जो कोरल रीफ्स होते हैं वो होते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स. ग्रोज सीवर्स डायरेक्टली फ्रॉम द शोर, जो तट होता है, समुद्र का तट होता है ना यहाँ, या फिर ऐसा कह लीजिए जहाँ पे ज़मीन और समुद्र एक साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं तट, शोर, कोस्ट लाइन. तो वहाँ से समुद्र की तरफ इनकी ढलान होती है. अब कैसे होती है ढलान वो भी देखते हैं. ठीक है, हैंस कॉल्ड शोर रीफ्स. तो फ्रिंजिंग रीफ्स को शोर रीफ्स भी कहते हैं क्योंकि समुद्र की तरफ इनकी ढलान ज़्यादा होती है. ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं. मान लीजिए जैसे ये इंडिया का जैसे साउदर्न पार्ट है, मान लीजिए हम यहाँ पे कोरल रीफ की बात कर रहे हैं, तो जो ढलान होगी ना वो समुद्र की तरफ इनकी ज़्यादा होगी और तटीय क्षेत्र की तरफ बहुत जेंटल होगी. ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सीवर्ड स्लोप, समुद्र की तरफ जो ढलान होती है वो होती है स्टीप एंड वर्टिकल, सीधी और बिल्कुल खतरनाक होती है, स्टीप बिल्कुल, समझते हैं आप. एंड लैंडवर्ड स्लोप मतलब ज़मीन की तरफ जो स्लोप होगा इसका वो होगा जेंटल, बड़ा मुलायम सा, बिल्कुल हल्का सा. ठीक है, अब इसका इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी बता दिया है कि कहाँ पे आपको मिलेगी जी फ्रिंजिंग रीफ. ठीक है, वो आपको मिलेगी फाउंड मेनली नियर रामेश्वरम इन द गल्फ ऑफ मैनार, गल्फ ऑफ मन्नार. अब देखिए आज के जो टॉपिक रहेगा ना हमारा उसमें तो हमें यही पढ़ने हैं तीन रीफ्स एंड दैट्स इट, बट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स इन इंडिया, कि इंडिया में कोरल रीफ कहाँ कहाँ मिलती है. चार जगह मेनली मिलती है, उन चारों के नाम हम पढ़ेंगे. ठीक है, अभी जस्ट आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए और आपको ये याद भी रखना है कि रामेश्वरम में किस तरह की रीफ है, क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए. फ्रिंजिंग रीफ है, क्या क्या पढ़ा, सबसे कॉमन होती है फ्रिंजिंग रीफ, इसका जो ढलान होती है वो समुद्र की तरफ, सीवर्ड जो है वो ज़्यादा होती है इसलिए इनको शोर रीफ्स भी बोलते हैं, सीवर्ड स्लोप वर्टिकल होता है, स्टीप होता है, लैंडवर्ड जेंटल होता है, और ये मेनली रामेश्वरम में गल्फ ऑफ मन्नार में आपको मिलेंगी. ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ हो गया. अब हम आगे पढ़ेंगे बैरियर रीफ के बारे में. बैरियर रीफ क्या होती है, लार्जेस्ट, वाइडेस्ट, हाइएस्ट, एक्सटेंसिव रीफ ऑफ ऑल. इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी, सबसे हाइट वाली और सबसे एक्सटेंसिव, मतलब हर जगह पाए जाने वाली क्या है, बैरियर रीफ होती है. फार अवे फ्रॉम कोस्टल एरियाज, ये कोस्ट के साथ में होती है, शोर के साथ में होती है, इसलिए इसे बोलते हैं शोर रीफ्स. ये तट से बहुत दूर होती है. ठीक है, जो कोस्टल एरियाज हैं उनसे बहुत दूर होती है इसलिए इन्हें कहते हैं बैरियर रीफ्स. तो याद रखना है फ्रिंजिंग नज़दीक में, बैरियर दूर में, बट पैरेलल टू द कोस्ट. अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इंडिया की ही बात करें, ये हमारा इंडिया का साउदर्न पार्ट है तो ये पैरेलली चलेगी. ठीक है, दूर होगी बहुत ज़्यादा लेकिन पैरेलल चलती है कोस्ट के. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एग्जांपल भी बताया इन्होंने, जैसे हमने फ्रिंजिंग रीफ का पढ़ा ना रामेश्वरम में, वैसे ही बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये तो मतलब आपने बहुत बार पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है ना. सो दिस इज़ द लार्जेस्ट बैरियर रीफ ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बैरियर रीफ जो है वो क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. बैरियर रीफ का हमने क्या क्या पढ़ा, लार्जेस्ट, वाइडेस्ट, हाईएस्ट, एक्सटेंसिव रीफ ऑफ ऑल, कोस्टल एरिया से बहुत दूर होती है लेकिन कोस्ट के पैरेलल ही चलती है. एग्जांपल लिया हमने ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच इज़ द लार्जेस्ट बैरियर रीफ ऑफ द वर्ल्ड. अब ऐसा मत सोचिएगा कि, अब देखिए मैंने कोशिश किया ना यहाँ पे कि जो भी डायरेक्ट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे लिख सकूँ. इसके अलावा आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, है ना. बट मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इनमें,
बट फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इतना ही है, और भी बहुत कुछ है. हर एक एक छोटे से छोटे टॉपिक पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए. ठीक है, ये हो गया हमारा बैरियर रीफ. हमने पढ़े कोरल रीफ्स के 3 टाइप्स, 2 पढ़ लिए, तीसरे की तरफ चलते हैं अटॉल. बट आगे चलने से पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें. जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. फाइन, अब हमें पढ़ना है थर्ड टाइप ऑफ कोरल रीफ, विच इज़ अटॉल. इट्स शेप इज़ लाइक हॉर्स शू, जो घोड़े का पैर होता है ना, वैसी वैसी इसकी शेप होती है, या फिर बोल लीजिए अंडे जैसी होती है, है ना, अंडे या घोड़े के पैर जैसी वैसी शेप होती है. ये क्वेश्चन आता है हॉर्स शू वाला, तब मैंने यहाँ पे लिखा है यूजुअली लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सी. ये तट के साथ होता है, ये तट से दूर होता है बट पैलर होता है, ये मिडल ऑफ द सी में होता है. ठीक है, क्राउंड मेनली विद पाल्म ट्रीज, जो पलम के पेड़ होते हैं, पलम आप समझते होंगे, पाल्म है ना, इसके जो पेड़ होते हैं वो मेनली अटॉल में आपको मिलेंगे. इसका एग्जाम्पल है फिजी आइलैंड. फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा. कहाँ पे है? देखिए मैप में, पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे ये आती हैं, कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, है ना, छोटी सी कंट्री है. तो फिजी अटॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अटॉल कोरल रीफ, है ना. चलिए, इसी के साथ इतना सा टॉपिक था, ये हो गया हमारा कंप्लीट. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है. जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे. प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी हमें कोरल रीफ और पढ़ना है, राइट? सो दैट्स इट. रिविजन करें, नोट्स बनाएं, प्रिपरेशन करते रहें. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स इट एंड सी यू सून.